तीन चार ड्रेस मंगाई थी इसने, लेकिन इसमें फिट ही नहीं आ पा रही इतनी मोटी बनता है तुम्हारा मन लग रहे ना मन है रहा उनका डब्बे इनके कोई भी मूवी लगा दो इसको जाएंगे चाहे कॉमेडी हो चाहे कर दो यार कर रखे इतना एंड कर रखा व्लॉग का। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर और आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम पहला कैसे आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और यहाँ सब खाने में व्यस्त है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हमारी हो रही है बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग 11:30 बजे शाबाश 11:30 बजे और 11 बजे हमारी मॉर्निंग हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या हम कहाँ रहते हैं बाहर रहते ना नहीं तो हम अमेरिका रहते हैं दिन और रात कुछ नहीं होती मान लीजिए सकते। तो चलिए अभी तो हम करते ब्रेक फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे क्या है ये जम है आज इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है पीला पीला नहीं आ रहा बड़ा चटपटा वाला okay. तो चलिए फिर हम भी करते हैं चाय पानी की शुरुआत मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ हमारी मूवी और टाइम हो चुका सर कुछ बब्बू की नींद पूरी हो गई है दो तीन बार रक्षित आपको आई नींद बढ़िया पिक्चर है बढ़िया पिक्चर है इनको आती है इनके लिए कोई भी मूवी लगा दो सो जाएंगे चाहे कॉमेडी हो चाहे कुछ भी लगा दो मडगांव एक्सप्रेस ये देखो एक और ड्रेस मंगा रखी है उसने ये लो वाइट ड्रेस है मैंने कहा ना कि वही ड्रेस ही करके इतनी सारी ड्रेस मंगा रखी थी बब्बू मंगाए आप नहीं थे बस मुझे ध्यान नहीं आता कि कौन सी वाली करके ब्लू वाली है इन्होंने ही मंगाई थी रखी थी अच्छा हाँ इन्होंने ही चूज करके रखी थी और ये खुद ही भूल जाते हैं। तीन चार ड्रेस मंगाई थी इसने लेकिन इसमें फिट ही नहीं आ पा रही इतनी मोटी हो गई और जो फिट आ रहे वो आपको अच्छी नहीं आ रही सीधे सीधे बोलो ना तुमको देख के अच्छी आ रही है मतलब इतनी मेहनत से कपड़े मंगाती है एक दो दिन लगा लोगों के देख दुख के सबसे सस्ते फिल्टर लगा के सस्ते सस्ते लेकिन फिट नहीं आ रहे हैं आ तो जाते हैं लेकिन फिट नहीं आ पाते क्यों मानो इसी डर से मैं महंगे भी नहीं मंगा रही क्यों कल को साइज फिर घट गया बढ़ गया फिर लेने के देने पड़ेंगे पैसे की बर्बादी इसलिए मैं थोड़ी सस्ते सस्ते ही देख रही थी कि मैं पहन सकूँ उसको करके तीन ड्रेस मंगा के वापस कर चुकी हूँ तीन फिर से आई है तीन में से फिर दो वापस करनी पड़ रही है एक तो मंगा भी बेकार देती है नहीं जो खुद मंगाओगा था ये तो आपने मंगाई थी तो ये तो अच्छी लग रही थी लेकिन अब साइज नहीं आ रहा तुमको मेरी गलती है उसमें भी अपनी चॉइस को एकदम अच्छी कहते ये ताड़िका वाली तो नहीं मंगाई यार मैंने ये देखो ताड़िका जैसी प्यारी वो लाइट वेटेड फ्लोरल जॉर्जेट मटेरियल मुझे बहुत अच्छी लगती है अब वापस करो फिर लाओ फिर वापस करो कर लगूं अच्छा लगता है पन लागत भोल यार खाली ले तो टाइम हो गया अब 12 बज गए अभी हमको जाना है रूम देखने भी क्या कह रही थी कह रही थी मैं उनको फोन करके पूछती गई थी फिर मैं ही बुला दी गई थी तो तब तक का हम भी थोड़ा नहा धो लेते हैं आज एक्सरसाइज भी नहीं करी आज तुम्हारे चक्कर में मन तुम्हारे चक्कर में भूख लग गई थी इसको मोटी को जब तेरी शादी होगी तब तेरे को पता चलेगा अजीब लगता है क्या अच्छा लगता है इतना मोटा पेट क्यों दिखा रखा तुमने वैसे घर में भाई और मम्मी तो है कौन रोकेगा ये बात हो रही है जब शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे रक्षित कह रहा मैं नहीं जाऊंगा क्या कहा मैं रुक जाऊंगा घर पे ही रख जाएगा बाकी सगाई करके बाकी लोग आ जाएंगे क्या अरे दिन जाएंगे ना जिस दिन सगाई हुई आए सगाई वाले दिन बात करने जाते हैं वो सगाई वाले दिन ही होती जो भी होती है वैसे भी होती है मतलब कोई तो बिना बताए थोड़ा जाते पहले बताते हैं हम इतने तारीख को आएंगे किसी के घर में कैसे ऐसे ही कैसे कुछ सकते क्यों सीधे चल जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा वो होती उस हिसाब से पहले ही बात हो जाती है कि क्या करना है करके अगर वो कहते हैं कि सगाई करेंगे तो किसी ने सगाई वाले दिन जाते हैं वैसे बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है जब बातें होती है तभी बहुत छोटा है यार अभी इन बातों के लिए
अभी शादी का टाइम है इसलिए उसको बताना फर्ज बनता है तुम्हारा मन लग रहे मन है मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में उनका सब बतू ना रीति रिवाज उनका बत्तू उड़ जाए क्या पत्ते तुम अपने ब्याह चक्कर में उनको रोक दिया तब तक अपन धीपे रह जाना है तब तक रखे तू रिक्वेस्ट कर शुभम से शुभम तो जल्दी करते हो कि नहीं करते मैं कर लूं पहले मैं बताऊं हम रक्षित अभी सब पूछे बल पता है ठीक है पता चल रहा है बाद में बहुत देर होगी शुभम ने शादी में लेट कर दी रक्षित क्या करना है मैं फिक्स करके आ गया चलो बना लेके चलते हैं कोई होगा तो बॉडी बिल्डर के लिए हमारे कमेंट कर देना क्यों बता यूट्यूब से नहीं देखने वाला होगा यार यूट्यूब शादी सुना क्यों करेगी यार तेरी शादी सुना शादी ये बोला ही रह गया शादी सुना नहीं चलेगी कह रहा शादी सुना क्यों करेगी तुझे शादी क्या यार रक्षित कहेगी रक्षित तुमने अपने घर में सबको बता दिया हाँ सबको बता दे किसे अपने पति और बच्चों को यार रक्षित को वैसे भी याद आ रहे होंगे घर भी हो रही है तो हमारी मजाक चलती रहती है इतना टाइम बाद तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है घर में वरना तो बस अभी तक हम यहाँ मेरा लैपटॉप और कुछ नहीं चल चलो बाहर सब्जी लड़की देखने सब्जी लेने चलो चलो तो इन दोनों को मैं जबरदस्ती घर से दोनों को निकाल के लाया हूँ आने को तैयार ही नहीं थे यार बाहर जबरदस्ती लेके आना पड़ा है बिल्कुल ही मन नहीं है गर्मी हो रही करके अंदर ही दुबके पड़ेंगे दोनों के दोनों मजा आ रहा बाहर ठीक हो रहा है अंदर अंदर गर्म लग रहा है अंदर तो बहुत गर्म हो रहा है और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना